हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, फंक्शनल ग्रुप उन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को कहते हैं जिनकी प्रेजेंस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मीन्स हम कह सकते हैं अ फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन। मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन चेन की लेंथ और नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। ओके, तो आइए हम लोग सम फंक्शनल ग्रुप के बारे में आज जानते हैं। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन्स। हैलोजन्स, ओके, हैलोजन्स में बच्चों क्लोराइड आता है, ब्रोमाइड आता है, आयोडाइड एंड फ्लोराइड आता है। ओके, सेकंड है बच्चों अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को बच्चों हम लोग OH से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थर्ड है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को बच्चों हम लोग CHO से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड OH। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कीटोन्स। कीटोन्स को बच्चों हम लोग सी डबल बॉन्ड ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फिफ्थ नंबर पे है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी ओ ओ एच से। इसे बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ओके, तो दीज आर फाइव फंक्शनल ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके।